नमस्कार दोस्तों, नीरजास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे करौंदे का शीरा। करौंदे की चटनी और करौंदे का अचार तो आपने बहुत बार खाया होगा। चलिए आज हम सीखते हैं करौंदे का शीरा बनाना। ये करौंदे का शीरा पुड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसे बना के साल भर के लिए भी रख सकते हैं। बस इसमें है पानी, जो मैंने इसमें पानी मिलाया है, आप पानी ना मिलाएं, शक्कर को ही ज्यादा इसमें मिला दें तो शक्कर प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और इसका जो ये चाशनी दिख रही है, आपको रस दिख रहा है, वो भी अच्छा गाढ़ा रहेगा और ये शीरा हमारा साल भर तक चल सकता है। तो मर्जी आपकी, यदि आपको थोड़ा बनाना है अभी खाने के लिए तो 2-4 दिन के लिए बना के आप फ्रिज में रख दीजिए और आप व्रत में या कभी भी इसको खा सकते हैं। पूड़ी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा खट्टा मीठा और चटपटा सा इसका स्वाद रहता है, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने करौंदे का शीरा बनाने के लिए 250 ग्राम करौंदे लिए हैं। हमने करौंदों को खूब अच्छे से धो लिया है और इसके जो पीछे के डंठल रहता है या इसमें जो भी धूल मिट्टी है उसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है। 4-5 बार आप पानी से अच्छे से इनको धो लीजिए। अब हम इनको कट करेंगे। हमें इसको बीच में से 2 टुकड़े करके इसके अंदर जो बीज रहता है उसको अलग करना है। पहले इसको बीच में से आप हाफ करिए, फिर हाफ के भी 2 टुकड़े कर दीजिए और इसके बीच में जो बीज रहेगा उसको अच्छे से आप चाकू से साफ करके निकाल लीजिए। उसमें कोई भी गंदगी या कुछ भी जो छपा रहता है बीज का, वो सारा कुछ अच्छे से आप निकाल लीजिए। चाकू से काटने में ही वो काफी सारा बीज निकल जाता है, क्योंकि हम बीज से जैसे ही चाकू काटेंगे तो अंदर जो बीज रहेगा वो चाकू के ही साथ निकल के बाहर आ जाता है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर टाइम लगता है इस काम को करने में। तो आपको यदि शाम को बनाना है तो सुबह से आप इसकी तैयारी करके रख लीजिए। इस तरह से सारे करौंदे के हमें बीज निकाल लेना है। ये हमारे सारे करौंदे कट के तैयार हो गए हैं। हमने सारे बीज अच्छे से इसके निकाल लिए हैं। अब हम इनको बनाते हैं। तो हमने गैस पे एक फ्राई पैन को चढ़ाया है। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे। जब हींग और जीरा चटक जाए, अच्छे से भूंज जाए, इनको आप अच्छे से भूंज लीजिए। ये भूंज गए हैं। अब हम इसमें कटे हुए करौंदे डाल देंगे। अब हम इनको कम से कम 2 से 3 मिनट इसी तरह भूंजेंगे, धीमी आंच में। थोड़ी देर धीमा करेंगे, थोड़ा मीडियम करेंगे गैस, और थोड़ी देर चलाएंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे। इस तरह से करते हुए हम इनको धीमी आंच में इसी तरह से भूंज लेंगे तो ये हल्के से कुक हो जाएंगे। हाथ से छूकर देख लीजिए, ये पक जाए अच्छे तो आप फिर इसमें हम शक्कर डालेंगे। अभी हमारे ये कुक हो गए हैं। हमने 250 ग्राम करौंदे लिए थे, 250 ग्राम ही हम इसमें शक्कर लेंगे, क्योंकि करौंदे बहुत खट्टे होते हैं इसलिए इसमें शक्कर बहुत ज्यादा जाती है, तो उसी हिसाब से हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। 250 ग्राम शक्कर डालेंगे। ये नाप हमारा 250 ml का है। इसमें शक्कर 225 ग्राम आती है, तो मैंने थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इसमें डाली है शक्कर। तो इस तरह से 250 ग्राम हमने टोटल इसमें शक्कर डाली है। शक्कर डालने के भी बाद आप इस तरह से इसको चलाते रहिए धीमी आंच पे, हल्के हाथों से चलाइए जिसमें करौंदे टूटे ना, गले ना। बस धीमी आंच में इस तरह से चलाइए, धीरे धीरे शक्कर इसकी पिघलने लगेगी। जब हमारी शक्कर अच्छे से पिघल जाए, हल्के हाथों से चलाना है इसको, बहुत जोरों से नहीं चलाना है, नहीं तो करौंदे पिचल जाएंगे। अब हम इसमें करीब 2 कप पानी डालेंगे, हाफ कप 2 कप, यानी 250 ml के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। जिस कप से हमने शक्कर ली थी उसी कप से 1 कप भर के हम इसमें पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसे धीमी आंच में थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा काला नमक डालना है, जिससे स्वाद बेहतर आ जाएगा इसमें। और इसको धीमी आंच में पकने दीजिए। 2 से 3 मिनट पकेगा ये, तो शक्कर और करौंदे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा करौंदा अब
काफी हद तक पक गया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़ी सी, टीस्पून से भी थोड़ा, 1/4 से भी कम हम इसमें चिली पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये शीरे का जो खट्टा मीठा और बढ़िया चटपटा स्वाद आएगा, ये बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। बस हमारा करौंदे का शीरा तैयार हो गया है, हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। जब ये ठंडा हो जाए तब इसको खाइए, पूड़ी के साथ खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक स्वीट डिश के तौर पे भी इसको बना सकते हैं, खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगता है और खट्टा मीठा टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरह से पतला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पानी मत डालो, शक्कर को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कम से कम 100-150 ग्राम करीब शक्कर और इसमें मिला दीजिए, और फिर इसको शक्कर में ही पकने दीजिए धीमी आंच पे। जब आपको लगे कि चाशनी अच्छी गाढ़ी हो गई है और ये पक गए हैं करौंदे भी अच्छे से, तब आप गैस बंद करके और ठंडा होने पर एक शीशी में भर के रख लीजिए। तो ये आपका मीठा अचार बन जाएगा, जो कि साल भर तक का आपका खराब नहीं होगा और अच्छा चलेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर बनता है, और यदि आप अभी नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।